फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ हमवीर सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं। उनका नाम है अनिल राज जी। उनके बारे में जितना भी बताऊंगा बहुत कम होगा। अनिल राज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो जन मीडिया का, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें यहाँ पे आके कवरेज दिया, अपने चैनल में जगह दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल राज जी, जैसा कि आपने बहुत बड़ी अक्षय कुमार के साथ भी काम किया है और अब सोनी टीवी पे भी आपने कुछ काम किए हैं, तो विष्णु देवा जो डायरेक्टर सर है, इनके बारे में बताना चाहेंगे। जो आपकी जो फिल्म चल रही है, ये बिगड़ी औलाद, इसमें क्या किरदार है और कैसा लगा आपको? विष्णु देवा जी मेरे बचपन के दोस्त हैं जी। हम पिछले 20-25 साल से साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ तक मैं तो ये कहूँगा कि मुझे कैमरा दिखाने वाले ही विष्णु जी हैं, उससे पहले मैं शायद एक्टिंग में नहीं था। तो दर्शकों को बताइए, सबसे बड़ी कौन सी फिल्म रही आपकी और जो यादगार सीन कौन सा आपको आज तक रहा, जो बड़ा स्टार जिसको ज़्यादा मानते हैं, किस किस के साथ आपने काम किया? वैसे तो मैंने बहुत सारे एक्टरों के साथ किया है, लेकिन अक्षय जी का बात अलग है जी। हाँ, अक्षय जी के साथ काम किया, उनके साथ बहुत अच्छा लगा। बहुत सॉफ्ट हार्ड है, मतलब बहुत ही, आप उनसे बात करोगे, उनके साथ काम करोगे, आपको लगेगा ही नहीं। अच्छा, बड़े अक्षय जी के साथ कौन सी फिल्म में काम किया था आपने? मैंने पहले रावड़ी राठौर में किया था, अभी मेरी आने वाली फिल्म है रक्षाबंधन। जी जी, उन्हीं के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ जी। जी, रक्षाबंधन में क्या किरदार है आपका? रक्षाबंधन में अक्षय जी का एक बहुत बड़ी हवेली है जी। उन्होंने वो हवेली पे हमें किराए पे रखा था, तो हमने उस रूम को तोड़ के उसमें अपनी लाला जी की दुकान खोल ली। उसमें मैं लाला का करेक्टर है, दुकानदार हूँ मैं जी। जी, तो इस फिल्म में जैसा कि आप लड़की के फादर का रोल कर रहे हैं, तो कैसा लगा है आप यहाँ पर, और इसमें इस फिल्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे, ये क्या मैसेज देगी समाज को? ये फिल्म दो पार्ट में है जी। एक 25 साल पहले जी। और एक फिर बाद में पार्ट टू में 25 साल बाद जी। तो इसका मेन मोटिव यही है कि बिगड़ी औलाद इस फिल्म का नाम है। इसका जो मेन है वो यही है कि बच्चों को एटलीस्ट अपने माँ बाप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चे अपनी जवानी के जोश में या यार दोस्तों के साथ मिलके कॉलेज में स्कूल में हुड़दंग करते हैं, ठीक है, करना चाहिए, उम्र होती है, मगर माँ बाप को भी इग्नोर ना करें। जो बाप है वो गर्म तो होता है और सूरज भी गर्म होता है, सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करना सीखो मेरे भाई। एक बारी जब सूरज डूबता है ना, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो मेहरबानी करके सब बच्चों से और अपनी टीम से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का आदर करें और कम से कम उन्हें इग्नोर ना करें। कुछ वक्त के, कुछ समय के बाद माँ बाप बहुत अकेले हो जाते हैं, तो उन्हें इग्नोर। तो इस फिल्म में जो आपका किरदार है फादर का, तो एक डायलॉग फिल्म का थोड़ा बोलेंगे तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, कोई भी डायलॉग जो आपको? इस फिल्म का एक डायलॉग है कि मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ प्यार मोहब्बत किया, उसके बाद जब मैंने मना किया तो उसने ज़िद की कि नहीं, मैं उसी से शादी करूँगी। तो उसमें बाप है, वो कहते हैं बेटा तुझे पाल पोस के मैंने बड़ा किया, तेरे हर सुख दुख का ध्यान रखा, जैसे तूने चाहा, जो तूने चाहा बेटा मैंने तेरे लिए किया। माना, जवानी है, जोश है, सब चीज़ की ज़रूरत होती है, मगर माँ बाप तो माँ बाप ही है ना बेटा, ये दोबारा नहीं मिलेंगे मेरे बेटे, कम से कम माँ बाप की इज्जत के बारे में सोच। चलो जो हुआ सो हुआ, मगर माँ बाप की इज्जत को यूँ सरे बाजार रुसवा ना कर मेरे बेटे, रुसवा ना कर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और एक्टिंग लाइन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आप? इस फिल्म के बारे में तो यही कहूँगा कि यार एक ये हमारा ना फैमिली प्रोडक्ट टाइप का है, सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं, इसमें कोई सीनियर जूनियर ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल के प्यार से बहुत अच्छी फिल्म जा रही है। बट मैं तो लोगों से या पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि अपने सीनियर्स की कदर करें, इज्जत करें, अपने जो तुम्हारे को एक्टिंग के बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि आप पहले कदम या पहला कदम बढ़ाने के लिए, पहली सीढ़ी पे जो आपको रखने की जगह दे रहा है, तो उसका निरादर ना करें, उसको समझें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
मैं भी आपका बहुत जन मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे अपनी टीवी पे स्थान दिया। जी नमस्कार।